अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी यहाँ पर खैरियत से हैं। तो आज का टॉपिक है कि हम रमज़ान शुरू होने से पहले क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम रमज़ान की तैयारी में सबसे पहला जिसका नाम है अदरक लहसुन का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें वो छिलना था। और आज हमारी फूफू भी घर पर आई हुई थी और साथ में बातें करते, पता नहीं कब ये भी काम हो गया हमारा। और साथ में मिलके करने से काम का फ़ायदा ये भी एक है कि हम बहुत सारी इधर उधर की बातें भी करते हैं और हमारा काम भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, जैसे कि आज हमारा ये काम हो भी गया और हमें पता भी नहीं चला। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें मंगवाई थी और उसको हमने फिल करना था ताकि वो स्पॉइल ना हो जाए। तो जैसे कि हमने शुगर लिया और दालें थी कुछ, वो सारी हमने फिल कर दी। हमने ना डीप क्लीनिंग पहले ही कर ली थी, बस अब ऊपर ऊपर से कुछ सफाई करनी थी और हमने वो भी कर ली ताकि फिर बाद में हमें करना ना पड़े। नेक्स्ट हमें शामी बनाने थे, जिसके लिए हमने दाल बिफोर वन नाइट भिगो के रख दिया था और गोश्त में हमने दाल और पानी मिक्स कर दिया और उसके साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, साल्ट, गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के उसको अच्छे से मिक्स करके हम उसको विसल लगा देंगे। इसमें ना मैंने दही डाला था लेकिन अब वो वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है, शायद मैं लेना भूल गई। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें और इसको 3 विसल होने तक हाई फ्लेम पे हम इसको पका देंगे। सीटी होने के बाद मैंने गैस पे से इसको निकाल दिया था और कुछ पानी बचा था, उस पानी को मैंने हाई फ्लेम पे सोक कर दिया। बस यहाँ पर इसका पानी सारा सोख गया और मैंने इसको गैस पे से निकाल दिया। मैंने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, फिर इसके अंदर लेमन रस ऐड किया और हरा धनिया ऐड किया। इसमें प्याज भी डाली जाती है लेकिन मैंने नहीं डाला। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका था, बस इसका शेप देना था शामी का। मैंने 2-3 शेप ट्राई किए थे और यहाँ पर शामी भी बन चुकी है। बस यहाँ पर मैंने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने हमें शामी चाहिए थे उसको मैंने फ्राई कर लिया, बाकी के सारे स्टोर कर दिए मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था इसका, माशाल्लाह से सबको पसंद भी आया। नेक्स्ट टिप रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए, प्री रमज़ान प्रिपरेशन के लिए ये है कि हमें ग्रॉसरी रमज़ान से 1 वीक या फिर 2-3 दिन पहले तो हटा ही देनी चाहिए, क्योंकि बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा। मिलता है लेकिन वही बात होती है कि हम जब इबादत करनी होती है तब हम बाज़ारों में होते हैं, बस यही एक रीज़न है जो हमें जो भी ग्रॉसरी करनी होती है वो पहले कर लें। और हमने यहाँ के सेक्शन से दालें ले ली, शॉपिंग में हमें वक्त का पता नहीं चला, 10:30 हो रहे थे अभी हम वहीं पर थे। फिर हमने वापसी की, अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी जो कि हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे उन सारी चीज़ों को। जब तक हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी रमज़ान में हमने वो सारी चीज़ें ले ली। घर पहुंचते पहुंचते 11 बज चुके थे और घर में कुछ खाना भी नहीं बना के गए थे, आने के बाद बनाना था और हमें बहुत सी थकान फील हो रहा था हमें, तो बस जल्दी से खाना बन जाए और हम खा लें और सो जाएं, यही मन कर रहा था। फिर फूफू ने इजी सी रेसिपी ट्राई की जिसमें गोश्त
और सारे मसाले डाल दिए, जैसे कि मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, धनिया और चाट मसाला, टमाटर, ये सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स किया। इसी में हमने ऑयल ऐड किया, फिर उसको हमने ट्रांसफ़र किया कुकर में ताकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाए। फिर विसल लगा दी, 2 या फिर 3 विसल तक हमने इसको पकने दिया। बस ये वाला रेसिपी रेडी थी और हमने खाना खा लिया, फिर सो गए, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बस उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।